अस्सलामुअलैकुम, मैं जरंगीला और तमाम देखने वाले जहाँ जहाँ बसते हैं मुसलमान सबको ईद मुबारक। तो बस बहुत सारी इसी पर यादें बातें मेरे साथ हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे शेयर करूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। जहाँ बहुत सारी खुशियों की बातें होती, लोग मुझे कहते हैं कि जी जो यूट्यूब रहे हैं वो मुझे कहते हैं इंज ब्लॉग बनाया करो जी, इंज बनाया करो, थंबनेल इंज लाया करो, कोई डरावना जिया जी जड़ा को अपोजिट हो, खबर कुछ हो, वीडियो कुछ हो, थंबनेल कुछ बनाओ फिर चैनल चलेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ना मुझे ज़रूरत है। जो मेरे दिल में आता है मैं आपसे शेयर करता हूँ, यानी कि मेरे जो चैनल का नाम है गप शप रंगीला, मैं अपने दिल की बात या जो महसूस करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। ये जो ईद आई है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई, ठीक है। वहाँ पे मुझे सबसे पहले ये जो अभी टंकी में हमारी एक कश्ती डूबी, कश्तियाँ तो कई डूबती रहती हैं, क्योंकि जब बंदा बेतवक्कला होता है तो फिर वो रास्ते तलाश करता है, ठीक है जी, इधर उधर से, ठीक है। जब अल्लाह पे तवक्कल होता है तो फिर वो साबित कदम रहता है और अपनी जगह पे रहता है, ठीक है। यानी कि फिर उसे फिक्र नहीं होता कि मैनू क्यों वाली रोटी मिली है, तो हूँ सुखी मिल गई है, तो मैं किमें रवाना, मैं किमें गुजारा करूँगा, ठीक है ना। फिर उसे ये नहीं होता। तो जब बंदा बेतवक्कला होता है तो फिर उसे बहुत सारी चीज़ों का होता है कि मेरा कुछ बन जाए, मैं कुछ कर लवा, मैं कुछ और रास्ता इख्तियार करा। मगर मुझे बड़ा अफसोस है कि जो लोग भी डंकी लगा के इस तरह जाते हैं मुल्क से बाहर, ठीक है, रोज़गार के लिए, ठीक है ना, उनकी बात तो यही होती कि जी इतने कुछ नहीं होता पाया। अब ये जो अभी लास्ट एक्सीडेंट हुआ है, ये जो कश्ती डूबी है, तो उसमें बता रहे, कोई कह रहे कि मैं 35 लाख देता अपने बच्चे, कोई कहना मैं 25 लाख देता, कोई कहना 40 लाख देता है। तो इन्ने इन्ने पैसे दे के तो की दिता, उन्होंने बच्चों सबर क्यों नहीं दिता, उन्होंने बच्चों रब का जिक्र क्यों नहीं दिता कि पुत्र रब ने हर चीज़ देना है, सब कुछ देना है, तुहानू देना है, मगर एक टाइम मुकर्रर है, ठीक है ना। मगर मैं बहुत अफसोस है, मैं वो जिन्हिया फैमिली ने सब के गम पूरा शरीक हूँ, बड़ा दुआग हूँ उन्होंने वास्ते कि अल्लाह उन्होंने सबर देवे तो ये वक्त गुजर जाए, ठीक है जी। एक टाइम वो थी कि सन 1947 लोग कितों कितों हिजरत करके आके उन्होंने एक चंगे ख्वाब देखे, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान च रवेंगे, उत्थे अपनी आज़ादी होगी, मुसलमान नू हर तरह, ठीक है। उस आज़ादी च उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उस कुर्बानियाँ समझ आती है। इस मुल्क नू सवारने च असी की कुर्बानी देंगे, पाकिस्तान बन चुके है, इस्लाम के नाँ ते बन चुके हैं, पर अल्लाह इन्हू कायम रखने वाला है इंशाअल्लाह, असी सारे आपस में इतफाक ते रखिए। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह पे तवक्कल बड़ा ज़रूरी है, सब कुछ मिल जाएगा, मगर सच्ची मुची बात है कि ऐवें फजूल परेशानियां ना लवो। अगर तुम ख्वाहिशां वधाओगे तो फिर सारा कुछ होएगा, जे तुम ख्वाहिशां अपनी थोड़ियां रखोगे तो सब कुछ ठीक होएगा। उस तो बाद देखो कि दुनिया के जी 5 अमीर तरीन आदमी टाइटैनिक देखने जा रहे हैं, कि शोबाज लोग सन, मगर उन्होंने उन्होंने वक्त अल्लाह ने उही मुकर्रर किया सी, उन्हां दी मौत दा, उन्हां दी जिंदगी दे खात्मे दा, ठीक है। 5 बंदे रातों रात की फेमस हो गए, की जिक्र हो रहे हैं, हैं जी, मगर वो लोग नहीं डिस्कस हो रहे कि जेड़े के डंकियां लगा के हैं अपना मुल्क छड़ के ते दूसरे मुल्क रोज़गार की तलाश जाते पेने। साढ़े लोग जेड़े ने हुक्मरान ने, ठीक है, जेड़े लोग करता धरता ने, इन्हों जरा नहीं ख्याल आता पाया कि इस आवाम को बचाना किवें है, ठीक है। बचाण तो मुराद है मुनासिब रहन, ठीक है, और अलहमदुल्ला साढ़े मुल्क सारा कुछ है, ठीक है, मगर सिर्फ इन्हें अपने पेट भर जन ना तो फिर आवाम का सोचन, ठीक है। ये आपस में मैं जो हूँ तक अंदाजा लाया, ठीक है, यह सारे सियासतदान आपस को कुछ नहीं, इन्हों की रिश्तेदारियाँ भी ने, इन्हों दोस्तियाँ भी ने, इन्हों के ताल्लुक भी ने, इन्होंने बैंकों को इन्ने कर्जे भी ले ने, माफ़ भी करवा लेंगे ने, वे वे फ्रॉड भी कर लेंगे ने, पच भी जाते ने, सजावं भी, और यह जड़े हालात ने, ठीक है जी, भुखा तंगियां ये भी इस आवाम वास्ते, इन वास्ते कुछ भी नहीं। इन्हों की गड्डी का ए सी बंद हो जाए तो उत्थे छड़ के दूजी गड्डी बह के चले जाते हैं,
ठीक है, कोशिश करनी है सी असी वो अमल करिए जितों रब राजी हो जाए, है जी। मगर अल्लाह पाक तौफीक देने वाला है, ये जरूर सोचो कि असी कीता की ये पिछे साढ़े को टाइम किन्ना कु बचे है। अज भी एक बंदा पहाड़ जिनी उम्र गुजार के तो किसी का हक नहीं देता या गलत गल करता है तो वह कदा बंदा है, है जी। मैं नहीं समझता कि उन्होंने अल्लाह का खौफ है, ठीक है, उन्होंने पता है कि मैं जाना भी है, मेरे तो पहले ही बड़े तुरम खां आए तो चले गए, ठीक है जी। तो जोड़ 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 दूजिया का हक जोड़ना, लालच करना, इस लालच तो बाहर निकल आइए। अज गल तो कर बहुत ने, मगर मैं इन्नी कोई थोड़े गल अपनी शेयर कर रही है, ठीक है। कोशिश करो कि तुसी ना रवो पर तुहाडी गल चंगी रह जाए, दुनिया तुहाडा चंगा जिक्र करे, ठीक है जी। मैं अलहमदुलिल्लाह अजकल सुनो टीवी ते काम कर रहा, मस्तियां शो तुसी देख रहे हो, तो बड़ी मेरी ख्वाहिश है, मैं छोटी जी तुहाडे नाल शेयर करना, तुसी मेरे लिए दुआ करनी कि मेरी ख्वाहिश सिर्फ है कि मैं काम करा, मैं हसावा, मैं तुहाडे लिए काम करा, अपनी आवाम लिए काम करा। मैनू कोई नहीं चाहिए एडा, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, रब ने मैनू जो दिता है बहुत बेहतरीन दिता, अलहमदुल्ला मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हाँ, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पंजाबी इंडियन फिल्म काम करा, और इंशाल्लाह मैं बड़ा पूरी उम्मीद हाँ कि ये होएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चूंकि आस उम्मीद ही दुनिया कायम है, और मेरी ख्वाहिश कोई एड्डी फजूल नहीं हैगी या मेरी ख्वाहिश एड्डी कोई मुश्किल नहीं हैगी। हाँ ना, जिते इन्ने सारे लोग मसरूफ ने, क्योंकि पिछले दिनों कैरी ऑन जट्टा चल रही थी, उस फिल्म की गपशप, तो उस जो मैं देखे उस सारे फनकारा तो बड़ा दिल किया, मैं क्या माशाल्लाह बड़ा चंगा काम कर दे ना। फिर पंजाब जोड़ा साडा वो भावें चढ़ता है तो भावें लेंद है, ठीक है ना, वो इको जिया मावं ने तो इको जिया मिट्टी दिया खुशबूव ने। तो रब सलामत रखे इस धरती न, इस इंसानियत में जिते जिते भी बसती है, अल्लाह इजाद बुरी घड़ी बुरे लोगों तो बचाए, बुरी सोबत तो बचाए, तो हसते रहो तो बसते रहो, अपन दुआवें याद रखना इंशाल्लाह। मैं क्या ना पाकिस्तान रब ने बनाया वह कायम रखने वाला है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे, और इस प्यारे पाकिस्तान जिथे वसते हो, मेरिया बड़िया दुआवें, पाकिस्तान जिंदाबाद।